सौ अहादीस जो आपके सामने रखने की कोशिश की थी वो मुकम्मल होकर के तैयार होकर कर आई है। आप तमाम तलबा और तालिबात जल्द से जल्द इसका पीडीएफ भी हमने तैयार किया कर लिया है। हम पीडीएफ भी आपके स्कूलों तक हम उसको भेजेंगे और जो हार्ड कॉपी है यहाँ पर जो एक 13 पेज का एक सेट है वो भी हमारे पास दस्तियाब है। मैं जो तलबा और तालिबात अहादीस मसनून अहादीस में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अब्दुल हमीद साहब बाखवी और शेख सलीम साहब और मौलाना यूसुफ़ कुरैशी साहब मस्जिद शाहाना से रابطہ पैदा कर कर उनसे ये हार्ड कापी और पी डी एफ हासिल कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया ग्रुप पर भी हम इसको अपलोड करेंगे। आप वहाँ से भी ये तमाम जो 100 अहादीस है वहाँ से लेकर के आप प्रिंट हासिल कर सकते हैं। मरकजी सीरत कमेटी वो कौमी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल के कारगुजार सदर डॉक्टर मोहम्मद असगर शुलबुल साहब ने इनामी मुकाबला जात का इन्हें खाद अमल में लाया है, उसी के तहत ये 100 अहादीस का मजमुआ तैयार किया गया है। तमामी तलबा और तमामी अफराद से गुजारिश है कि इन अहादीस को याद करें और इससे बेशुमार अनवार व बरकात हासिल होंगे और इन्हीं में से तकरीबन जो है सवालात किए जाएंगे, आपको सही सही अहादीस का जवाब देना होगा। और वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपनी आल औलाद को अहादीस को याद कराएं और इस नियत के साथ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान को हम हिफ्ज़ करा रहे हैं और इसके अनवार व बरकात हासिल कर रहे हैं जो दुनिया व आखिरत में फ़ायदा मंद होंगे। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और मरकज़ी सीरत कमेटी की तरफ से जो इनामी मुकाबलाजात मुनाकिद किए जा रहे हैं हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनाकिद किया जा रहा है और उसमें एक बहुत ही सुनहरा बाब उसमें जोड़ा गया है हिफ्ज़ हदीस का। ज़िम्मेदारान ने 100 हदीसों का पीडीएफ और उसकी जो है हार्ड कापी भी तैयार कर दी है। तमाम शुरका तलबा और तालिबात से गुजारिश है को पीडीएफ कापी या हार्ड कापी जो है उसको इस्तेमाल में लाएँ और उसके ज़रिए से अहादीस शरीफ को हिफ्ज़ करें और इंशाल्लाह आपसे जो 100 हदीसें याद करेंगे उसका उखरवी फ़ायदा तो है ही। आपसे जो है जो मुंतज़िमीन हैं आपसे सवालात करेंगे और उन सवालात को आप जवाब देंगे इंशाल्लाह तो आप इनामात के भी मुस्तैक होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उन हदीसों को 100 हदीसों को ज़बानी याद करें और कम से कम इंशाल्लाह आपको 100 हदीस का 10 सवाल किए जाएंगे और 10 सवालों का जवाब आपको देना होगा। कम से कम जो है आपको 10 सवाल किए जाएंगे और 10 सवालों में 10 हदीस को सही तौर पर सुनाना होगा, लेकिन आपके पूरे 100 हदीसों में से 10 हदीस पर कम से कम सवाल किया जाएगा और भी सवाल किए जा सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जो है इबादत समझ करके इन 100 हदीसों को याद करें, इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा दुनिया के अंदर भी और दीन के अंदर इंशाल्लाह। जैसा कि इससे पहले हिफ्ज़ हदीस के मुकाबले का ऐलान हुआ था लेकिन पीडीएफ कॉपी और हार्ड कॉपी तैयार नहीं हुई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो चुकी है। लिहाजा जो हजरात भी हिफ्ज़ हदीस के मुकाबले में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उन तलबा और तालिबात से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो पीडीएफ कॉपी और हार्ड कॉपी मुझसे या वरना फिर हमारे हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ साहब से या वरना फिर हमारे मोहम्मद सलीम साहब से हासिल कर लें। और मैं तमाम तलबा और तालिबात से एक और मरतबा ये ख्वाहिश करता हूँ कि वो इन इस हिफ्ज़ हदीस के मुकाबले में हिस्सा लेकर इन अहादीस को याद करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुस्तहिक और हकदार करार पाएँ और उन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करें। और आखिर में मैं आली जनाब मोहम्मद असगर साहब चुलबुल को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। अहलिया ने गुलबर्गा शरीफ और ख़ास तौर पर जो भी उम्मीदवार इन मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं ख़ास तौर पर हदीस शरीफ के, उनके लिए ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आप हजरात के लिए उम्मीदवारों के लिए इन अहादीस का सेट तैयार हो चुका है पीडीएफ फॉर्म में भी और हार्ड कॉपी भी है। जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब अल्लाह आपको बहुत खुश रखे खुशहाल रखे कि आपने तलबा के लिए स्टूडेंट्स के लिए और उम्मीदवार के लिए ये तैयार करके रखा है। आप हजरात
इनसे इस्तिफादा कीजिए और अहादीस याद कीजिए। इंशाल्लाह इन अहादीस याद करने के बाद आप मुकाबले में आएंगे, बहुत अल्लाह पर रहम फरमाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ आइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप तमाम तलबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि अहादीस जो सब जमा किए हैं उनको याद कीजिए और इसमें कॉम्पिटिशन में हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला आपको बेहतर फरमाए। मरकजी सीरत कमेटी वाल इंडिया मिल्ली काउंसिल के ज़ेर तमाम इस साल यानी चौथा इनामी मुकाबला जात बजमन जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया गया है। इस मौके पे इस बार जो एक नया उन्वान चुना गया है वो है 100 मसनून अहादीस को मैं तर्जुमा पेश करना और बच्चों से उनके ऊपर मुकाबला जात मुनक़िद करना। तो लिहाजा आज उलमा इकराम की निगरानी में ये जो है ना 100 अहादीस का एक मजमुआ जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब ने अपने मकान पर इसकी इजरा की है और ये जो किताबचा है PDF की शक्ल में और हार्ड कापी की शक्ल में तमाम मुकाबलाजात में हिस्सा लेने वाले तुलबा और तालिबात को मुहैया किया जाएगा और उनसे गुजारिश है कि इन तमाम 100 अहादीस को याद करें ताकि मुकाबलाजात में कम से कम 10 से 15 अहादीस का आपको जवाब देना होगा। उलमा इकराम आपसे सवाल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हमारे पास हदीस है कि 40 अहादीस जो शख्स याद करता है वो जो है ना जन्नत का मुस्तहिक होता है। इसलिए मैं तमाम तलबा और तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि इन अहादीस को याद करें और मुकाबलाजात में हिस्सा लें। आल इंडिया मिल्ली काउंसिल व मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से इस साल इनामी मुकाबला 2022 और 2023 को जो है हमारे डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब कारगुजार सदर मरकज़ी सीरत कमेटी व कौमी सेक्रेटरी आल इंडिया मिल्ली काउंसिल भराय सियासी उमूर जो है इस मुकाबला जात को रखे हैं, जिसमें से उन्होंने बहुत कोशिश की है, जिसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। मसनून अहादीस 100 उन्होंने किताबचा आज रिलीज़ किया है, जिसमें से जो भी मुकाबला जात में हिस्सा लेने वाले हैं वो शख्स ये तमाम 100 अहादीस को हिफ्ज़ करें और उसमें से मुकाबला जात जब होंगे मौलाना वगैरह सवालात करेंगे, कम से कम उसमें से 10 या 15 सवालात करेंगे जिसमें आपको जवाब देना है। जो भी उसके जवाब अच्छे देंगे उन्हें इनामात से नवाजा जाएगा। जश्न ईद उल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सारी कायनात पर बारगाह आस्था नीलू शरीफ वसीम बाबा साहब ने भी शिरकत की, तमाम मेहमान भी ने भी शिरकत की। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर असगर चुलबुल साहब ने इस प्रोग्राम की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस प्रोग्राम को कामयाब अता करें और हम सबको दीन और दुनिया का होना बहुत ज़रूरी है। दीन दुनिया में और आखिरत में हम सब के काम आने वाला है और हमको दीन को और दुनिया को दोनों को तवज्जो देना चाहिए। जज़ाकअल्लाह खैर।